नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं हाजी यासीन मलिक, बड़गल गांव के रहने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा अनखीर पुलिस चौकी में एक मामला है, शबनम नाम की महिला ने इन पर छेड़छाड़ के मारपीट के आरोप लगाए हैं। सीपी साहब को भी शिकायत दी गई है। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, ऑफरिंग कोर्सेज लाइक बीटेक, एमटेक, बीबीए एंड बीसीए। विजिट eitfaridabad.com। एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, लीडिंग द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन एंड विनिंग इट। अभी इनसे पूछते हैं, दरअसल उस दिन क्या मामला हुआ था, क्या वारदात हुई थी, सच है या झूठ है, ये बताएंगे, अपनी तरफ से सफाई देंगे। हाजी साहब, ये पहले बताइए कौन सी तारीख का मामला है? ये सर 19 तारीख का मामला है। क्या हुआ था उस दिन? 19 तारीख को ये चार लेडीज मेरे यहाँ आई थी और मेरे यहाँ लड़के को देखने वाले कुछ मेहमान लोग आए हुए थे। हम अपने उनके मेहमान नवाजी में लगे हुए थे। इन्होंने आगे के हमारे चारों दरवाजे पे आकर के गाली बकने लगे। मेरा एक साले का लड़का है नीचे था, वो सामान ऊपर ले गया। चार महिलाओं में से एक आपकी किरायेदार थी? हाँ, एक मेरी किरायेदार थी, इसका नाम शबनम है। शबनम है सर। और तीन को आप पहचानते थे? हाँ, एक उसकी भाई ने, मैंने उसमें पूछा, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है। अच्छा अच्छा। तो उन्हें कहा मैं इसकी लड़की की भाभी हूँ। फोन आप दे दे। हाँ बताइए आगे। तो मैं जैसे नीचे उतर के आया तो मेरी लड़की और मेरी वाइफ मेरे से पहले यहाँ आ चुकी थी। अच्छा अच्छा। उनके साथ ये हत्थापाई कर रही थी। मैं जैसे आड़े गेट पे खड़ा हो गया, गेट पे खड़ा हो गया, अरे मन का तू कौन है, तू अच्छा। कौन है? मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के उससे पूछा, तो उसने कहा मैं उसकी भाभी हूँ। हाजी साहब, मैं दो महिलाएं हैं, एक रानी है और एक शबनम है। हाँ, रानी ने दोनों बीके हॉस्पिटल में गई, अपनी एमएलसी कटवाई, ठीक है, एमएलसी कटवाई दोनों ने, अभी भी बीके हॉस्पिटल में वो हैं। और कल उन्होंने अपना बयान दिया था जिसमें दो आरोप लगाए, एक तो मारपीट छेड़छाड़ और एक जो रानी है उसने फोन छीनने का आरोप लगाया। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल कोई फोन हमने नहीं छीना, फोन हमें नीचे गिरा हुआ मिला है, फोन हमने पुलिस के हेड ओवर कर दिया था उसी टाइम। अच्छा। 100 नंबर में मैंने कॉल की है, 100 नंबर वालों ने रिसीव नहीं किया, लेकिन मेरा फोन इस वक्त चौकी में है, पक्का है, चौकी में, चौकी में पक्का है सर, ठीक है। और जनाब, ये जो हमारा इसके बहनों के थ्रू हमने मकान दिया था, हमारा 45,000 रुपए इसकी तरफ था। 45,000 रुपए सलीम गद्दी की साहब है, उन्होंने फैसला किया कि हाजी जी आप समझदार हैं और गुंजाइशदार हैं, आप इसमें 10,000 रुपए कम कर दें और 35,000 रुपए ले लें। अच्छा। उन्होंने, हमने कहा भाई चलो ठीक है, 20,000 रुपए हम आज आपको दे देंगे और 15,000 रुपए आप हम 2 महीने के बाद आपको देंगे। मैं चलो ठीक है। तो ये शबनम की बहन है और उनके जीजा जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि समझौता इन्होंने कराया था, तो बहन से बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? शहाना। शहाना नाम है। तो आपकी जो सिस्टर है शबनम, तो ये क्या मैटर है थोड़ा सा बताइए। उन्होंने आरोप लगा दिए हाजी साहब पे छेड़ने के, मारने के, पीटने के, ये सब मतलब ये है, गलत लगाए हैं। अच्छा। गलत लगाए। क्या वजह है? हमें यहाँ रहना है और हमारे बच्चों का साथ है, हम झूठ नहीं बोले किसी। अच्छा। मगर ये बात गलत है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। जो चीज है वो कह सकती हूँ, मगर जो फालतू जो कहा है ये गलत। अच्छा। तो इनके जीजा जी हैं, आपने कोई समझौता कराया था किराया वगैरह का? किराया का ऐसा है, 45,000 बनने थे इनके। अच्छा। तो मैंने इनसे कह सुन के इन्होंने 10,000 रुपए कम कर दिए, 20,000 इनको दे दिए मैंने। आपने दिया अपने हाथों से? हाँ, अपने हाथ, ठीक है, इन्होंने दिया अपने हाथ से। तो मैंने कहा भाई हाजी जी 2 महीने के बाद में 15,000 मैं दे दूंगा। कह रहे ठीक है सलीम भाई, कोई बात नहीं। अच्छा। मेरा सामान उठा देना इनका, फिलहाल सामान उठा दूंगा। अच्छा। भाई अब ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने मेरे से हाँ कर दी, वो पुलिस चौकी चली गई, भाई ना खुंदक आ गई। अच्छा। कोई बात नहीं चली गई, अब तो सामान तो देते उठा के कम से कम, तुम्हारा मेरा वादा तुम्हें कहते सलीम भाई मुझे 15,000 और दे दो। अच्छा। आप मैंने आपको 20,000 दिए थे, आप मुझसे कहते सलीम भाई मुझे विश्वास नहीं है, मुझे 15,000 और दो, मैं 15,000 20 दिलवा देता हूँ। मैंने बाजी से ये बात कही थी कि बाजी आपका हमारा घर जाने संबंध है, बिल्कुल, और ये पहुंच गया केस पुलिस में, इसमें आप मुझे 15,000 रुपए दे दो और मेरे से वापसी 20,000 ले लो, 15 के 20। सुनो एक मिनट, और आप मेरे को 5,000 रुपए करके दे देना। हाजी यही बात हुई थी नहीं?
बातें हैं ये बात हुई थी कि भाई वो मैटर खत्म हो जाओ उसका सपनम का, बाकी आप हमारे घर से प्यार से आप मेरे को 2 महीने में 5,000 करके दे देना। ये बात अगर ये बात हुई मगर उसके बाद जो मतलब मैं गई थी आपके पास, तुमने मना कर दिया कि भाई जब पैसे दोगे तभी मैं मतलब सामान दूंगा, इससे पहले मैं सामान नहीं दूंगा। इसी बात में तो मना करा था, अगर ये कंप्लेंट पुलिस में हो चुकी है भाई साहब, हमारी बेइज्जती हो चुकी है, हमें पुलिस में चढ़ा दे भाई सलीम के सामने, क्या क्या उन्होंने अल्फाज इनके लिए बोले, कितनी बेइज्जती करी है, मान लो चढ़ गए थाने के अंदर बताओ तू जान संभाल लो, उसके बच्चे ज्यादा बकवास करी होगी। चलो फिर मेरे पास तो ये बात लोग कहना है कि हाजी साहब पे जो आरोप लगाए गए हैं झूठे आरोप हैं। हाँ ये जो इन्हें छेड़छाड़ वगैरह के ये सब आरोप गलत हैं आपका, और मैटर है किराए का, किराए का और किराए का मैटर है ये। हाँ किराए पे बहस है और बिल्कुल अभी इन्होंने मारपीट करी वो ये जाने और वो जाने उसके मामले अच्छा। में उसके पीछे भी बहुत बड़ी जैसे उंगली मार के पुलिसों की भेजा गया ना ऐसी हुई थी, उनको पता था मेहमान बच्चे को देखने आ रहे हैं अच्छा। जो मुलाजिम नाम आ रहे उन्होंने उनको सिखा बजा करके एंड टाइम पे वहाँ भेजा और झगड़ा करा, वही तो कह रहा हूँ तुम्हारी हमारी बात ताकि हमारा रिश्ता खराब हो जाए, वो रिश्ता हमारा खराब हो गया सर। मैंने बीस हजार रूपए उन्होंने मेरे को दे दिए अच्छा। इसको सबनम ये नीचे आ गई, नीचे आने के बाद ये पुलिस चौकी गई, मज ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी अच्छा, जी ये बदतमीजी कर रहा मेरे साथ और मैं तो किराया इसकी घरवाली को दे चुकी है, ये वो है सलीम सिद्दीकी को लेकर के मैं पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी में जाने के बाद वहाँ हमारे दोनों का लिखा गया कि भाई ये 35,000 में फैसला हुआ, 20,000 मेरे को दे दिए, 15,000 मेरा बकाया है, वो 2 महीने के बाद मिलेंगे अच्छा। उसके बाद शाम को इन्होंने साजिश के तहत मेरे मेहमान थे उन्होंने आगे मेरे घर पे वारदात की है, मेरे पैसे और मेरी जेब ऐसे उखाड़ करके ले गए, उखाड़ करके इन्होंने ले गई। उसके बाद में हम वहाँ गए चौकी, गए चौकी में अपनी कंप्लेंट दी, ये सर मेरा कुर्ता फटा हुआ है, यहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट भी गायब है, मेरा सिर्फ एक लाइसेंस मिला, बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट गायब हो गए सर अच्छा। ये फाड़ करके ले गया अपने साथ ले गया। हाजी साहब जो 4 महिलाएं आई थी आरोप ये लगाया गया, दो पे है सर, दो तो नहीं 4 महिलाएं आई थी उसमें से 2 के आरोप हैं कि एक जो सबनम है जो आपकी किरायेदार थी वो कह रही कि मुझे अंदर बंद कर लिया, और जो दूसरी महिला रानी उसकी भाभी है जब वो पूछने आई कि सबनम कहाँ है तो उसके साथ मारपीट की गई, उनका आरोप है ये, और रानी का कहना है कि फोन भी छीन लिया, जबकि आपका कहना है फोन हमने चौकी में दे दिया था। ठीक है, अब आरोप जो आरोप छेड़छाड़ का है तो छेड़छाड़ का अगर आपके घर में लोग रहे होंगे और भी लोग रहे होंगे तो किसी न किसी ने तो देखा होगा, वैसे आपके बच्चे भी हैं, झूठा है ये भी झूठा है, झगड़ा भी मतलब झूठा, हमने हाथ उंगली भी टच नहीं करी, हम हाजी नमाजी हाजिर हैं, पोते पोते का दिए देवते गांव, और ये रिकॉर्ड है पूरा मोहल्ला पूरा गांव देखे, तो आपने वीडियो भी रिकॉर्डिंग की, वीडियो भी रिकॉर्डिंग की, उस वक्त आपके हाथों में फोन भी था, मेरा फोन हाथ में था जो मेरा बच गया फोन, और गिरा था वो टूट गया, वैसे टच अच्छा टच टूट गया, तो मतलब छेड़छाड़ आप पूरी तरह से नकारते हैं आरोप, ये गलत भी टच नहीं है सर, ये मेरा महला बताया झूठा है। और भैया कौन था उस दिन, कौन था उस दिन बताइए, मसलम भाई कौन था यार, सब झूठा है बिल्कुल, ये हाजी मैं बोल देता हूं अच्छा है, हां मैं वहां खड़ा था, वहां खड़ा था, ये हाजी जी वहां खड़े थे जीने पे अच्छा, जीने खड़े थे, गाली गुफ्तार पकड़ी थी औरत, गाली गुफ्तार पकड़ने के बाद में इनके जेब हाथ लगाया, जेब फाड़ दी, ये नीचे को आ गए, ये कहने लगे तू आदमियों को भेज, औरतों के मुंह नहीं लगता अच्छा, आदमियों को भेज जो भी लेना देना मेरा आदमियों से, औरतों को मुंह नहीं लगता, यहाँ से जा, तुमने गंदी गंदी गाली पकड़ी, हमारे बच्चे आ गए, हमने अपने बच्चों का अंदर जाओ, सड़ी सड़ी गाली पकड़ी थी अच्छा अच्छा। और वो उसका कहना है कि हम किराए पे रहते थे और लॉकडाउन में किराया नहीं दे पाए, और कुछ हमने दिया लेकिन हमारा सामान वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप सामान क्यों नहीं दे देते सर, वहाँ पुलिस चौकी में ये बात लिखी गई थी फैसले में, जो उनके भैनोई साहब हैं सलीम सिद्दीकी साहब, एक नंबर का आदमी है, झूठा नहीं है, सच्चा आदमी है और बुजुर्ग आदमी है, उसने कहा हाजी जी ये आपके पैसे नहीं देंगे, मैं आपके पैसे दूंगा, और 45 में से 35,000 रूपये में फैसला हुआ, 20,000 रूपये मेरे को दे चुके और 15,000 मेरे बकाया जो पुलिस चौकी में अभी तक भी वो कागज मौजूद है। सलीम सिद्दीकी जी कौन है, सलीम सिद्दीकी जी उनके बड़े बहनों ही हैं।
अच्छा, महिला के बहनों ही है। जी जी। अच्छा, तो आपने अभी जो कमरे पे ताला लगा रखा है उसके? नहीं, मैंने उसका किराया दे रखा सर, दे रखा है। सामान उसका सेफ है, जो मेरे पास एक उसकी एलसीडी है, एक टूटा हुआ सोफा है, एक अच्छा सामान आप देने को तैयार हो, सामान में कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान नहीं रोकना चाहते। तो पुलिस प्रशासन में आपने वैसे शिकायत दी है पुलिस चौकी में, तो आपने क्या आरोप लगाए हैं आपकी तरफ से? क्या आरोप आपको बता रहा हूँ, मैंने वही आरोप लगाया, मैंने कोई दोगली बात नहीं कही, ना मेरा कोई झूठा कोई मुकदमा। क्या चाहते हैं बाप? मैं ये चाहता हूँ सच्चाई छानी जाए, जो मेरी इज्जत बखानी गई है, जो मेरी इज्जत नीलाम हुई है, जो मेरे यहाँ समाज में इज्जत है, मैं बुजुर्ग आदमी, हाजी नमाजी आदमी हूँ, आज मेरे अंदर शुगर का पेशेंट हूँ सर, मैं कुछ भी हो सकता। अच्छा, तो मेरे को इंसाफ दिलाया जाए और ये जितनी झूठी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए और उसकी सच्चाई छानी जाए। भाई इसके लिए ऐसा क्यों करा जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, बताया मेरे कारोबार एक नंबर का, सेल्टेक्स से काम करता हूँ, बिल्कुल से काम करता हूँ, मेरा कोई फ्रॉड काम नहीं है। अच्छा, तो पता करो मेरा दो फर्म है, एक बेटे के नाम से एक मेरे नाम से। अच्छा, बाहर रस्ते की बात है, पूरी कॉलोनी कॉलोनी मौजूद है, पूरे गली के आदमी लेडीज मौजूद है, सारे वारदात लेडीज। उस दिन आपके घर की महिलाएं भी थी? घर की महिलाएं भी थी उस दिन जिस दिन वारदात हुई? कौन कौन था बताइए? और ये जो मेरे पुराने किराएदार सर 10-10 साल रह के गए मेरे मकान में, आज तक कोई मेरी अगर शिकायत है तो मेरे आप उस दिन पर। अच्छा, आप कौन है मैडम, थोड़ा बताइए? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है, उस दिन आप मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद। तो आपको लगता है जो छेड़छाड़ का आरोप है? बिल्कुल छोटे, मेरे फादर का दूध है, भाई हाथ नहीं मारा, मेरी तो भाई बेटी का हाथ मारा भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी बेटी हैं जो अपने पापा को पूरी तरह से बेकसूर बता रही हैं, इनका कहना है छेड़छाड़ का आरोप पूरी तरह से झूठा है, ये इनका कहना है। इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने बाहर आके देखा तो हाजी जी ऊपर खड़े, जब बोल चाल की आवाज आई तो हमें तो कोई मतलब, हम भी किराएदार हैं, हम अपना मकान नहीं है हमारा। नहीं, एक चीज आप बताइए हाजी साहब, एक चीज आप बताइए, तो वो औरत जो है झूठा आरोप क्यों लगा रही, थोड़ा सा ये बताइए। पैसे हड़पने के लिए झूठा आरोप लगा रही है, उसके पीछे मेरा मुखालिफ लगा हुआ है। अच्छा, मेरे सारे रिश्तेदार 150 रिश्तेदार व्हाट्सएप कर चुके हैं इस वीडियो को। अच्छा, ताकि मैं बिरादर में बदनाम हो जाऊं और मेरी छवि खराब हो जाए। अच्छा, पैसे ऐंठना चाहते हैं? हाँ, पैसे ऐंठना चाहते हैं सर, पैसे। अच्छा, आप डर जाओ और उनको पैसे दे। जी जी, ये वजह। हमारे यहाँ 10 साल से 5 साल से जो किराएदार रह रहे हैं, ये भी साफ नहीं है, हमारे बारे में कोई ऐसा आदमी है? ये नहीं है। एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके बोलो ना, बोला कहा ये भी किराएदार रह गया सर मेरे यहाँ। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, आप भी किराए पे रह के गए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा है, मैं तकरीबन 4 या 3.5 साल इनके रेंज पे रही हूँ। इन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखा था और वही निभाया है, कोई गलत बात नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से इज्जत दी इन्होंने, इनके घर के सभी मेंबर, सब मेंबर ऐसे नहीं, उन्होंने बेटी बना के रखा था, वही उसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया, वैसे ही बेटी को बना था। चलो ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका मैडम? अपने घर में। अच्छा, तो हाजी साहब पर जो आरोप लगाए हैं क्या लगता है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? आयशा नाम है। आप भी यहाँ पर रह के गए हो? अच्छा, कैसे हैं हाजी साहब? ठीक है। जो आरोप लगा रही महिला वो झूठी है? झूठी है, आरोप गलत है आपका कहना। ठीक है, तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा के उसको।